हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं का भूगोल यानी कि जियोग्राफी, भूगोल यानी कि जियोग्राफी का मैं आपको इस वीडियो में ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट जो कि 2022 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए जो ब्लूप्रिंट आ गया है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पूरा ब्लूप्रिंट देख लीजिए। इसी के आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर जो रहेगा इसी के आधार पर आएगा, यही पैटर्न रहेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रश्न पत्र का पूरा पैटर्न आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इसके अलावा अगर आप कक्षा 11वीं के अदर सब्जेक्ट के भी अगर आप ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उनको भी देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट बता दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको पता नहीं होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं का भूगोल का जो ब्लूप्रिंट है, पूरा एक एक करके सब यूनिट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है आपका पहला जो आपका यूनिट है, पहली यूनिट जो है आपकी, पहली जो टॉपिक है आपका, उससे आपको कुल 4 नंबर का आएगा। वहाँ से पहली यूनिट से भूगोल एक विषय के रूप में जो ये आपका नाम है यूनिट का, यहाँ से आपको 4 नंबर का आएगा। कुल 4 नंबर का आना है। 2 आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट है या दूसरा टॉपिक है, इससे आपको कुल 8 नंबर का आना है। 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 आपका 4 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद तीसरी जो यूनिट है वहाँ से आपको कुल 8 नंबर का आना है। 3 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा जो टॉपिक है, चौथी जो यूनिट है, वहाँ से आपको आना है 8 नंबर का। कुल आपको 8 नंबर का आना है। 3 आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा और 1 आपका 3 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पांचवी या पांचवा टॉपिक, तो इससे आपको 5 नंबर का आना है। 2 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 1 आपका 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद छठवीं देख लीजिए, छठवीं यूनिट से आपको कुल 5 नंबर का आना है। 3 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद देखिए सातवीं यूनिट को भी समझ लीजिए इसी प्रकार से। ये आपका कुल 10 नंबर का आएगा। 3 आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है, और 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसके बाद आठवां देखिए, आठवीं में आपका कुल 10 नंबर का आना है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 2 नंबर के प्रश्न और 1 3 नंबर का प्रश्न। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए और इस पैटर्न को समझते जाइए। ये आपकी नौवीं यूनिट है, यहाँ से आपको 7 नंबर का आना है। 5 आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा। 10वीं यूनिट से आपको कुल 5 नंबर का आना है। 1 आपका 2 नंबर का प्रश्न और 1 आपका 3 नंबर का प्रश्न। इसके बाद 11वीं यूनिट है भारत का मानचित्र, यहाँ से आपको कुल 5 नंबर का आना है और 1 ही प्रश्न आना है। 5 नंबर का एक ही प्रश्न, इसमें मानचित्र आएगा आपका, ठीक है। तो मानचित्र को आपको भरना होगा, उसको फिल करना होगा। तो कुल 70 मार्क्स होते हैं, कुल 28 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपके 16 नंबर के 2-2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, 12 नंबर के आपके आएंगे 3-3 अंक के प्रश्न, और आपकी 4 नंबर का आपका सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। और 10 नंबर के आएंगे आपके 5-5 नंबर के 2 आएंगे, तो कुल 10 नंबर ये हो जाती है आपकी। तो इस तरीके से पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। इतने भाग में जो आपके यूनिट है इसमें आपको डिवाइड मिलेगा। एक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें, ठीक है। इसी के आधार पर आपका पूरा पेपर आना है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसी के आधार पर आपका पेपर आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।